बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें। मेरा न्यू चैनल है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी वीडियोस के अंदर देखा करें, स्किप मत किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ, और मेरा चैनल शाहीन कुकिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रमज़ान स्पेशल चटपटे समोसे। समोसे बनाने के लिए हमें जो अज़ा ज़रूरत होंगी वो ये हैं: मैदा 1 कप, बड़े बड़े आलू 2 अदद, और मैंने आलूओं को उबाल कर इसे मैश कर लिया है, सब्ज़ मिर्च 5 अदद, कुटी हुई लाल मिर्च 3 खाने के चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने के चम्मच, नमक 1 खाने के चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने के चम्मच। अब समोसा पट्टी बनाने के लिए मैंने एक बड़े बर्तन में मैदा डाला है। अब मैं घी 1 खाने के चम्मच शामिल करूंगी। घी मेल्ट हुआ होना चाहिए। अब मैंने इसे घी के साथ मिक्स कर लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंदूंगी। अब मैंने इसका डो बना लिया है। अब मैं इसे 5 मिनट रेस्ट दूंगी। अब 5 मिनट पूरे हो गए हैं, अब मैं इसे बेलूंगी। इसे बिल्कुल पतला बनाना है क्योंकि हमने समोसा पट्टी बनानी है। अब मैंने इसे बेल लिया है, अब मैं दरमियान से कट करूंगी। पट्टी बनाने के लिए अब हम समोसा बनाएंगे, तो दरमियान में मसाला डालूंगी। अब फोल्ड करने का तरीका देखें, दूसरा फोल्ड किया, थोड़ा सा पानी निकाल रहे, दूसरी तरफ से फोल्ड करूंगी। नोक नजर आनी चाहिए, और इस तरफ से पानी निकालूंगी। आप देख सकते हैं, और नीचे से पानी लगा के इसे बंद कर दूंगी। ये देखिए, अब समोसे तलेंगे। हमने डाला है, जहां से आपने जोड़ा होगा वो साइड नीचे रखनी है। जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब इसे बाहर निकाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर ऐड करेंगे। गोल्डन ब्राउन हो गया, मैं इसे निकाल लूंगी। माशाल्लाह से हमारे चटपटे समोसे तैयार हो गए हैं। आप इसे रमज़ान में भी बना सकते हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।